महाराजा रणजीत सिंह की बरसी के उत्ते 450 तो उत्ते सिख यात्री पाकिस्तान पहुँचे। ननकाणा साहब जो पहुँचे तो उत्थे अपनी यादा तो तालुक दोस्तियाँ तो हर चीज़ को एवें सिखा ने अजमाया कि बंदा सोचता रह गया। लो जी, सब तो पहले तो मेरी वीडियो तुसी करो लाइक सबसक्राइब तो कमेंट जरूर करना। तो फिर उस तो बाद तो मैं लग के दिखाना कि जो सिख पाकिस्तान आते ने तो पाकिस्तान की धरती जड़ी है यह इन्हां वास्ते बहुत ही मुकद्दस हैगी। गुरु नानक देव जी की बस धरती हैगी, तमाम गुरुआ की बस्ती इत्थे हैगी। उस तो बाद सच्चा सौदा हो गया, फिर करतारपुर हो गया, तो सब तो सोहना पंजा साहब हो गया। इन तमाम चीज़ों का दर्शन करके जो सिख वापस जाते हैं हिंदुस्तान, तो इन दे विच एक अजीब जी रूह ते ताकत होती है। उस रूह ते ताकत नू जदों भी कोई देखता है तो उन्होंने चेहरे मूहरे के उत्ते एक अजीब जी खुशी होती है। पाकिस्तान आने तो बाद जदों भी वाघा टपते हैं तो पाकिस्तान दे विच कदम रखते हैं, तो गुरुआं दी धरती इन्हां वास्ते एक मुकद्दर ते सोहनी धरती बन जाती है। कहिंदे ने कि जदों है वाहेगुरू जपते हुए ननकाणा साहब जन्म स्थान पहुँचते ने, इत्थे आके इन्हां दी जिंदगी ठहर जी जाती है। कोई बैठता है, कोई सोचता है, कोई अजीब जे शक्लां दे विच अपने आप नूं अपने पुरखियां नूं याद करता है। जदों ननकाणे साहब पहुँचे तो कुछ यार दोस्त पुराने जिहड़े इन्हां दे नाल हिंदुस्तान तों पाकिस्तान आए, आके अपने बुजुर्गां दीआं यादां ते गल्लां उन्हां दे बारे च गुफ्तगू करदे ते तस्वीरां बणांदे इन्हां यादां नूं महसूस करदे ने। हर तरह का इत्थे इन्हां दा ख्याल रखा जाता है क्योंकि यह मेहमान ने, ते पाकिस्तान की पवित्र धरती जिहड़ी है वह मेहमाना का अपनी जान तो भी ज़्यादा ख्याल रखती है। सफ़र करते करते पता नहीं किहड़े सफरे यह जदों यात्री पाकिस्तान पहुँचते हैं तो इन्हां नूं एवें महसूस होंदा है जिवें इन्हां दी रूह ताज़ा हो गई, तो इन्हां दे जिस्म भी मजबूत तवाना हो गए। अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा बगैर दर्शन के गुजार पर जो दर्शन करन आते हैं तो अपने आप को कितना पुरसकून तो महसूस करते हैं। इन्हां दी शक्लां देख लो कि गुरु के दर्शन करते तो इन्हां तस्वीरां नूं महसूस करते हैं। मैं खोज ही रहना इन्हां दे इस सारे सफर नूं, इन्हां दे वास्ते या पूरी दुनिया दे विच वसण वाले सिख यात्रियों वास्ते महसूस करता। ऐ जो किरपाना ते तलवारां ते खट्टे रंग दी टोपियां ते लाल रंग दी जदों है पगड़ियाँ पा के, नीले रंग दी पगड़ियाँ पा के, हरी पगड़ियाँ पा के, काली पगड़ियाँ पा के जदों बैठे होंदे ने, ते इन्हां दी शकलां हर तरह की दास्तान बयान कर रही होंदियां ने। ऐ बुजुर्ग देख लो पता नहीं किन्ने वरियां बाद इन्हां दा चा पूरा होया ते पाकिस्तान आए। ऐ नौजवान ने ते इन्हां दी किन्नी ख्वाहिश हैगी किवें फोटो बनवाते हैं तो उम्र भर अपने वास्ते यादगार रखे। ऐ बुजुर्ग की सोच रहे ने कि तुसी दस सकते हो? नहीं, ऐ सारा इन्हां दा एक सुकून वाली जिंदगी हैगी। इत्थे बह के
बस दर्शन करदे ने, यादां ताज़ा करनियां ने, तस्वीरां बनानियां ने, अपने टब्बरां नूं जाके दिखानियां ने कि असीं पाकिस्तान चो गुरु दे दर्शन करके आए हाँ, तो एड्डी सोहणी यादां लैके उहनां दे नाल आए हाँ। उमरां वेख लो ते शौक वेख लो, ये सारे शौक ते उमरां आम बंदे दे नहीं हुंदी। जदों इंसान वक् होया होवे ते वक् होण तों बाद दुबारा इस तरह आंदा है कि यार पता नहीं इत्थे वापस मुड़ आना भी या नहीं मुड़दा, पता नहीं मेरे नाल की होवेगा, किस तरह मेरी जिंदगी दा इख्तिताम होवेगा। ते उस सारे पल नूं जीण वास्ते जदों ये पाकिस्तान की धरती चांदे ने ते पंजा साहब तो लैके करतारपुर साहब तक इस पूरे सफर दे विच इन्हां दी अखां दे विच अथरू ते जुबान दे उत्ते वाहिगुरु की एक तस्बीह जी चल रही होंदी है कि जिहदे विच ऐ सिर्फ उही कुछ मंगदे ने जिहड़ा कुछ ऐ सोचदे ने। हर मज़हब इंसान नू आज़ादी दिंदा है कि वह जिस तरह चाहे अपनी इबादत करे, जिस तरह चाहे अपने गुरुआं नू याद करे, छोटे बच्चे तो लैके ते वड्डे तिकर सारे। जदों देखो ये छोटा जिहा बच्चा किस तरह अपनी यादां नू ताज़ा करेगा जदों ये वीडियो देखेगा कि मेरी माँ पाकिस्तान दी हैगी, मैं पाकिस्तान ननकाने साहब गया सीगी गुरु साहब के कोल, उत्थे जाके मैं अपनी यादा ताज़ा कीतियां, मैं अपने सारा कुछ देखिया। यह वो चीज़ा ने जिहड़ी शायद सानू किसी ना किसी वेले मजबूत करनगियां। मावां भैणां धीआं पुत पोते पड़पोते दादे सारे अपने जिंदगी नू जीण वास्ते ते एक दफ़ा गुरु दे देश दा दर्शन करन वास्ते जरूर आंदे ने ते बैठदे ने ते गल्लां यादां बातां सब कुछ ताज़ा करके वापस हिंदुस्तान अपने घरां नू मुड़ जाणगे। ते ऐ यादां ऐ बातां कदे भी इंसान नू इस धरती तो जुदा नहीं होने देनगिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तो एक दफ़ा इस वीडियो नू तुसी लाइक करना है, शेयर करना है, तो सब दे नाल जरूर दर्शन कराने ने। अपना ख्याल रखना, रब राखा।